पंजाब वाले ज्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट नहीं भाई, उनके स्पॉन्सर है जो विदेश में सारे मैच सारे पंजाब भी करा हुआ, और स्पॉन्सर उनके हर एक देश में स्पॉन्सर है। वो कबड्डी ना गढ़ स्टेडर कैचर कौन रहे आपका भाई उस टाइम? तो अपने उसका बिल्लू था और महावीर था थलानी। प्लेयर में स्टेमिना कम क्यों है भाई? आज के टाइम में ग्राउंड प्रैक्टिस बहुत कम करा। अगर जितनी ग्राउंड प्रैक्टिस करोगे ना, सप्लीमेंट और मेडिसिन के बारे में बता दे पहले, जो आपने यूज करी है भाई। सप्लीमेंट यूज करी है और मेडिसिन। अंकुश यूनिक व्लॉग चैनल देखने वाले सारे भाई ना, राम राम भाई। तो भाई आज बातचीत करेंगे पप्पू सांस पहलवान था। बहुत भाई एक कमेंट भी आए थे, डाउट थे भाई पहलवान जीता एक बार पूछ लो। पहलवान जी ने बिना सन्यासी घोषणा करे कबड्डी छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी, अगर बोर्ड का तैयारी करेंगे पहलवान जी। तो पहलवान जी से पूरी बातचीत करेंगे। राम राम पहलवान। राम राम भाई अंकुश छोटे भाई। तो पहलवान जी वैसे तो आप किसी परिचय मोहताज नहीं, फिर भी एक बार पहलवान जी अपना गाँव गुवांट जिला का नाम बता दो भाई। गाँव सांच डिस्ट्रिक्ट कैथल। माता पिता के नाम पहलवान जी? माता का नाम भाई रेशम देवी, पिता का नाम श्री करण सिंह। पहलवान जी फिलहाल स्वास्थ्य कैसा, फिट हो? पूरे फिट हूं भाई, जमन मौज जमन। परिवार के बारे में पूछेंगे पहलवान जी, परिवार में कौन कौन है? परिवार भाई ज्वाइंट फैमिली है पूरी, भाई हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब इकट्ठे हैं भाई। तो पहलवान जी सबसे पहले बता दो आप कितने साल खेले हो, और मतलब भाई 18-19 साल खेल लिए। पहलवान जी फिर आगे खेलना के विचार है? अपना कबड्डी छोड़ दी, थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो पहलवान जी, दोबारा वापसी करोगे दशका ना आप के बताना चाहोगे? भाई तैयारी तो कर रहे हैं, फिर खेल दे नहीं ना वापसी कर दे, छोड़ दिया भाई बिल्कुल। तो पहलवान जी इस लाइन में इंटरेस्ट क्यों कर बने, और भी खेलते पहलवान जी? कबड्डी कुश्ती था पहलवान जी, नेशनल स्टाइल कबड्डी भी था, तो इस लाइन में इंटरेस्ट क्यों कर बने पहलवान जी? भाई जब 9वीं 10वीं पढ़े करते तो गांव की टीम कबड्डी, गांव के तकरीबन कबड्डी खेल लिया करते भाई सारे ही, तो स्कूल में जाया करते कबड्डी देखे करते, तो उसमें अपना वारिश वेरी बढ़ जाया करते, खेल लिया करते, तो खेलते खेलते थोड़ा ठीक हो गए, तो इंटरेस्ट बन गया, तो अपना मन करे भाई कबड्डी खेलनी है खेलनी है। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ पहलवान जी, कितने पढ़े लिखे हो? भाई प्लस टू कर रखी। आगे कौन पढ़े पहलवान भाई? यही मरकप का करी। पहलवान जी फैमिली और गांव वाले किसका सपोर्ट रहा पहलवान जी, आप खेल लेकर? भाई फैमिली का फुल सपोर्ट था भाई। सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट रहा पहलवान? भाई बड़े भाई का। बड़ा भाई मतलब पूरी मदद करी पहलवान जी? जमा फुल करी भाई। पहलवान जब आप ऑन द ग्राउंड थे, जब आप खेल लेकर थे, तो आपका कितना वेट था अपना? भाई वेट तो जिस टाइम शुरुआत करी थी उस टाइम था 70 किलो, 65 था शुरुआत करी थी, 70 हो या धीरे धीरे बद रहा तो 95-100। फिलहाल कितना जी? फिलहाल 95 भाई। तो पहलवान जी आप कैचर कैसे बने, कैचर कैसे बने, रेडर भी बन सको थे, तो कैचरों में क्यों करें इंटरेस्ट? मैंने कैचरों बनना भाई। भाई शुरू में रेड भी मारिया गामा, कैच भी मारिया, जब न्यू लग गया नहीं मान ले भाई हाँ ये बात कैच में ठीक लग गई लगने, तो फिर इंटरेस्ट ऐसा बन गया, तो मान ले पकड़ लग गए हैं, तो फिर कैचर में ही ठीक लगे भाई। पहलवान जी आपने ज्यादा मैच हरियाणा में खेले हैं, पंजाब में खेले हैं? भाई ज्यादा तो हरियाणा में ही, पंजाब में खूब खेले भाई, शुरू तो ही लग गए थे पंजाब में, छह तो लग गए थे जाने, और लास्ट तक पंजाब में भाई बराबर मैच खेले, पंजाब में बहुत मैच खेले भाई। पहलवान जी हरियाणा में अपना खुद की टीम भरी है जी, ज्यादा टीम बाहर की टीम में खेले हो भाई? खुद की भरी और बाहर के में भी खेले। तो पहलवान जी शुरुआत वेट तक करी, ओपन तक करी सीधा? भाई वेट में वेट तो है नहीं था, वो खेले एक दो बार धक्के दुक्के था, बाकी तकरीबन ओपन तक ही शुरू कर दिया। मतलब ओपन तक शुरुआत? हाँ ओपन तक शुरुआत करी। अचीवमेंट क्या करी अपनी, बेस्ट कैचर आप कितनी बार लिए? भाई बेस्ट कैचर है तो बहुत बार ले, जब दौर था नहीं उस टाइम तो ज्यादा नहीं था, एक शील्ड थी 500 रुपये, जब ठीक से हुई मान लीजिए आमदन आ गई, शुरू में 2-3 लेडियां भाई कैश प्राइज है, 3 एक मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल जितते पाछे पहलवान कैसा रिस्पॉन्स रहा, मतलब दर्शका का भी फैमिली का भी, तो कैसा? भाई शुरू में जो 2005 में बेस्ट आए थे नहीं, पहला शील्ड था वो ज्यादा खुशी थी, उसके बाद एलईडी जीती उसमें थोड़ी और मान ली खुशी थी, एक बाइक जीती फिर उसके बाद उसमें और खुशी थी। तो पहलवान जी आप बताओ भाई, पंजाब में भी बहुत मैच खेले हैं, तो पहलवान जी पंजाब और हरियाणा कबड्डी में कुछ फर्क लग गया? भाई फर्क तो कबड्डी में सिर्फ यही है, उरा एक टूर्नामेंट एक तो बहुत कम हुआ, एक ये मान सम्मान नहीं देंदे इतना, मान ले भाई जिस तरह कोई टीम आएगी उसे देंदे नहीं, पंजाब में सिर्फ नहीं हुआ भाई, जब पहला टूर्नामेंट पहली मैच हार का जो तो बंदा अपने जेब तन लायक आंदा, तो खर्चा पानी उसका मान सम्मान और दे दिया पंजाब वाले। तो पहलवान जी कई भाई नुका किसी खिलाड़ी ने विदेश में खेलना हो और उसने पंजाब में ज्यादा मैच लाने पड़ा, इस बात में कितनी सच्चाई है? भाई जब पंजाब में खेल लिया किसी फेडरेशन में तो जब वीजा लगेगा, हरियाणा में खेलता वीजा लगता, मतलब पंजाब वाले ज्यादा सपोर्ट करें
स्पोर्ट नहीं भाई, उनके स्पॉन्सर है जो विदेश में सारे मैच होने सारे पंजाबियों करा हुआ, और स्पॉन्सर उनके हरेक देश में स्पॉन्सर है। वो कबड्डी ने गणी मतलब कबड्डी ने अपनी मां ला हुआ गणे सपोर्ट करा कबड्डी ना, अपने एक भी स्पॉन्सर बता दे मतलब अपने हरियाणा का कोई स्पॉन्सर ही नहीं है। क्या कारण जी कोई स्पॉन्सर होगा जी भाई इस बारे में तो क्या कह सका भी, कुछ नहीं कह सकते। बाकी पंजाब में तो शुरू था ही स्पॉन्सर हुआ तो आज के नहीं भाई, बहुत साल था शुरू था जब अपना देश 70-70 था मेरे ख्याल में तो बाहर मैच कराने लग रहे वहाँ जब तक वहाँ नॉलेज है, और ईब तक भी बाहर ही ज्यादा टूर्नामेंट कराऊँ भाई वहाँ बहुत ज्यादा, बहुत गणे प्रमोटर हैं गणे टूर्नामेंट कराए वहाँ गड़ा मान सम्मान दे वहाँ। तो पलवन जी अपने टाइम का बेस्ट हेडर कैचर कौन रहे आपका भाई? उस टाइम तो अपने उसका बिल्लू था और महावीर था थलानिया। प्रेजेंट में कौन कौन है पलवन? प्रेजेंट में तो भाई बेस्ट के बेस्ट सबसे तगड़ा था बसिल्लू है भाई। रेड में करूंगा रेडर भाई के बुरी सर ठीक है, अरे सुनील दमतान इस टाइम तो बढ़िया। तो पहले जब आप ग्राउंड पे एंट्री करो तो उस टाइम पब्लिक का क्या रिएक्शन रहे करता, पब्लिक का सपोर्ट मिले कर दी क्यों कर भाई? देखो सब सारों को रड़ा मिला सा, एक बार हम बाहर खेल गए थे 2011 में, हम आए थे 28 अगस्त नवरा इंडिया और 3 सितंबर के मैच थे देरडू और मैच थी टूर्नामेंट मेयर बिल्लू उन्होंने साथ की टीम पर रखी थी बिल्लू खेला था। तो जब हम दूर तई आए मतलब दूर थे जब मैं भाई माइक में रुका मेरे प्लेयर आने रहे तो भाई तो देख ले पब्लिक की ताड़ियाँ ना रुकी को नहीं मतलब फुल सपोर्ट रहे पब्लिक का। हाँ फुल ना देरडू नहीं मदूद मैच थे भाई, मदूद थे मैच वहाँ मंदिर मैच वगैरह मदूद मैच थे। तो पलवन जी अपनी फेवरेट स्किल कौन सी रही है भाई? मैंने यार इस रेडर का कैच मार मारूंगा बढ़िया स्किल है भाई। शुरुआत में तो मैं जिस तरह नीचे था गट्टे गुट्टे उठा लिया करता पट पुट पकड़ लिया करता, पर बाद में तो भाई बस फाइट में ही ज्यादा हो गया। तो पलवन जी यू के कारण आजकल कई प्लेयर हैं वो लंबा मैच खेल कौन सकते, स्टैमिना कम रहे उनमें लगातार रेड में मैच सकते, अपने टाइम में आप देखो भी 20-25 का मैच भी खेले हुए पलवन जी, तो यू के कारण है भाई आज के टाइम में प्लेयर में स्टैमिना कम क्यों है भाई? आज के टाइम में ग्राउंड प्रैक्टिस बहुत कम करा, अगर जितनी ग्राउंड प्रैक्टिस करोगे ना तो उतने ज्यादा चाहे सारा दिन खिला ले ग्राउंड प्रैक्टिस करोगे तो। गुरु कौन रहा पहलवान जी अपना, जिस तरह अपना कुछ सीख मिली हो उन्हें आप खेल कर खेल ले उसने देख का भाई? जिस तरह शुरू में देशराज पहलवान हमारे गांव का कबड्डी खेला करता उसको ना देख के फिर जितना बढ़िया प्लेयर हो हमारे गांव का उन्हें देख का मान ले धीरे धीरे हो गए भाई हाँ मान ले बढ़िया प्लेयर थे उन्हें देख देख के ही सीखे भाई। पहलवान जी तकड़े रेडरी का मार देने कैसा फीलिंग आवा है जब आप मार कर दे भाई? फीलिंग के उस टाइम तो मतलब मैच में ध्यान रहा करता फीलिंग के थी बस उस टाइम तो नहीं था मैच जीतना कोई था जो फिर मतलब अलग सा वो भाई मैंने रेडरी का मार दिया कुछ अलग सा फील भाई दुल्ले की मारी थी उस टाइम तो लागी थी अलग सी फीलिंग लागी थी भाई बगर पिंडाले की। पहलवान जी सिल्लू बहू के बारे में दो लाइन भाई? छोटा भाई है बढ़िया तरक्की कर रहा है और वो मैं तो कहूँ परमात्मा ना लंबी उम्र देवा और बढ़िया तरक्की करा फिट रखा और भाई बढ़िया छोरा। सप्लीमेंट और मेडिसिन के बारे में बता दे पहलवान जी आपने यूज करी है भाई? सप्लीमेंट यूज करी है और मेडिसिन स्टडी आजकल चल रहे हैं आप देख रहे हो? देखे जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत सब कर रही है भाई। तो पहलवान जी आप ये बता दो कि जो नए खिलाड़ी हैं वो जिम ज्यादा कर आजकल उन्हें ग्राउंड प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए वे कम कर रहे हैं तो इसका क्या कारण है भाई? प्रैक्टिस तो जितनी कर ले उतनी कम है और सबसे ज्यादा तो रनिंग और ग्राउंड प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जिम तो नहीं हो भाई मारो अच्छी बात है करो लाओ जिम भी फिर हफ्ते में एक दो बार नहीं हो थोड़ी भाई सारा दिन जिम जिम जो जिम में जाएगा नहीं भाई बॉडी नहीं मतलब मसल की हो जाएगी मसल नहीं टाइट रहा जिम आएगी यार वो टूटी टूटा और जो मतलब रनिंग करेगा या ग्राउंड में खेलेगा सबसे ज्यादा वो सबसे बेस्ट रहेगा। पहले जी कोई नया प्लेयर कबड्डी माना चाह रहा है तो उसका फ्यूचर है कि नहीं इसमें भाई? फ्यूचर है क्यों नहीं, इमाम खेले तो उस टाइम भी था ये तो अपने पर डिपेंड करो मेहनत कितनी करा कितना परमात्मा से साथ देवा ये सिल्लू भाई फ्यूचर नहीं उसका कबड्डी में सारे देश में खेल आया बढ़िया मान लिया अपना इज्जत है सब कुछ है सारा देखा है भाई है फ्यूचर जब सही तो करा। तो पलवन जी आज कल आप देख रहे हैं कि हरियाणा में बहुत कम टीम रह रही है पंजाब में मतलब ए ग्रेड के प्लेयर हरियाणा बहुत कम रह रहे हैं कुल 10-12 प्लेयर हैं और पंजाब में ए ग्रेड के प्लेयर बहुत हैं तो इसका क्या कारण है भाई? इसका कारण ये हुआ एक तो हरियाणा में मैच नहीं होते एक मेन बात तो बहुत कम मैच है एक टूर्नामेंट 5-7 दिन में एक टूर्नामेंट हो एक यहाँ मान सम्मान इतना नहीं देते हैं बहुत कम है मतलब हरियाणा में अगर 20 टूर्नामेंट होगी तो एक दो टूर्नामेंट है जो थोड़ा बहुत मान सम्मान देगी पंजाब में हिस्सा भाई तो कितने टूर्नामेंट में बग जा किसी में बग जा किसी प्लेयर बग जाओ तो वहाँ भाई खाली तो आने देंगे मान सम्मान तो दे ही देवा चाहे पहला मैच आ रहा चाहे दूसरा आ रहा चाहे तीसरा ऐसा चाहे पहला मैच भी हार जानी तो
जद भी प्लेयर ने कुछ देना नहीं आता अपने पले का, और जो कोई भी चीज है पले नहीं देना आता नहीं जो प्लेयर बनेगा। है कई बार पिछावा ना देखे हैं लोग बेचारे अपने प्लेयर थे हरियाणा के, मान ले पैसे ब्याज पर ले लेगा उन्हें अपना पूरा पाड़िया मान ले गाड़ी का किराया दे। तो पलवन जी आज कला पर देख रहे हैं अपना हरियाणा की बात तो कर दी, तो पंजाब की कबड्डी में पहले वाली मर इस बारे में कुछ फर्क लगा अपने? भाई पंजाब की कबड्डी तो शुरू तो ही सी थी, पंजाब में तो शुरू तो ही उठा नहीं दो लड़ाई मैच भी हो, एक लड़ाई भी हो, तीन लड़ाई भी हो, ऑल ओपन भी हो, उड़ा सब ना मौका मिल जा, सब ना मान सम्मान बढ़िया मिल जा। उरा तो एक मैं ले कि टूर्नामेंट और उरा पहला ऑल ओपन मैच होया करते अपने हरियाणा में 2014-15 तक, उस टाइम घने प्लेयर नहीं खरीदे भाई ऑल ओपन में खेल खेल का मौका बढ़िया मिल जाता। ई अपना ऑल ओपन तो बिल्कुल हरियाणा में होती नहीं, उस कारण भाई वो भी मेन कारण है मान ले। तो मतलब बहुत फर्क है पहले? हाँ भाई फर्क तो है ही है। तो पहलवान जी जॉब के बारे में बात करेंगे, आपको जॉब कद लागे थे? 2011 में खेल कोटा के तहत लागे थे पहलवान जी आपने? खुद के उस ना खुद के उस पर लागे। तो पहलवान जी वीडियो खत्म होने था पहले लास्ट में दर्शकों और खिलाड़ियों जो खिलाड़ी बनना चाहवा उन तक के संदेश देना चाहोगे? भाई जो खिलाड़ी बनना चाहवा ना तो बढ़िया प्रैक्टिस करो, रनिंग करो भाई, ग्राउंड ना टाइम दो भाई, बढ़िया खुराक खाओ, और भाई जो बढ़िया होगा उन्हें तो दर्शक भी देखना होगा। एक बार पहले डाइट के बारे में बता दो, किसी डाइट लेकर दे आप? भाई डाइट तो यही अपना बदाम घी दूध चूरमा या डाइट थी भाई, देसी डाइट लेकर दे देसी। तो ठीक है दोस्तों, ये था पप्पू सांस पहलवान जी का इंटरव्यू, कुछ विचार रखे पहलवान जी ने, होप करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।